दोस्तों एमजी यानी कि मॉरिस गैराज से वो बहुत जल्द इंडिया में एक नई कार वो लॉन्च करने वाला है, और ये कार वो हमें इस साल के एंड में मतलब कि 2021 के एंड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें देखने को मिल सकती है। और इसका जो नाम है वो हमें एस्टोर देखने को मिल रहा है। उसी के साथ बात करें, ये जो कार है वो हमें एमजी की जो इलेक्ट्रिक कार देखने को मिलती है ZS EV उसी पर बेस्ड होगी, मतलब कि उसके जो लुक्स डिज़ाइन हमें देखने को मिलते हैं वैसे सेम डिज़ाइन हमें एस्टोर में भी देखने को मिलने वाले। इसके जो स्पाइस शॉट्स हमें अभी अभी रिसेंटली निकल कर आए, वो आप स्पाइस शॉट देख सकते हो कि डिज़ाइन हमें इसकी कैसी देखने को मिल रही है। और दोस्तों उसी के साथ इसके एक्सटीरियर में ऑब्वियसली थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंज है वो देखने को मिलेंगे, और वो कॉस्मेटिक चेंज क्या होंगे, क्या क्या नए फीचर ऑफर किए जाएंगे, उसी के साथ इसमें हमें कौन से इंजन ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब कि पेट्रोल इंजन डीजल इंजन कौन से ऑप्शन हमें इसमें देखने को मिलेंगे, सारी बातें आपको डिटेल में बताता हूँ। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक बात की, अगर आप रोजाना अपडेट रहना चाहते हो, रोजाना ऐसी न्यूज़ देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। दोस्तों सबसे पहली बात कि ये जो कार है वो एमजी के लिए नई नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एमजी है वो ऑलरेडी कुछ इंटरनेशनल मार्केट है उसमें इस कार को ZS के नाम से ऑलरेडी पेट्रोल इंजन के साथ बेच रहा है, तो इसी का फेसलिफ्ट वर्जन हमें इंडिया में एस्टोर के नाम से देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात इसके एक्सटीरियर को लेकर और इसके जो स्पाइस शॉट्स आए उसमें हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है वो है इसकी फ्रंट ग्रिल। और ये फ्रंट ग्रिल है वो लुक वाइज काफ़ी अच्छी लग रही है, और इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है फ्रंट ग्रिल का, वो बीच में जो एमजी का लोगो है उस पर एक फोकस दिखा रहा हो, उस तरीके का इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो हमें देखने को मिल रहा है। और उसी के नीचे हमें हनीकॉम मैच पैटर्न में इसका जो एयर इंटेक आता है वो देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ बात करें कुछ और एक्सटीरियर डिज़ाइन को लेकर, तो सबसे पहली बात इसके जो LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है वो हमें ZS EV के कंपैरिजन में और ज़्यादा स्लीकर और ज़्यादा शार्प देखने को मिल रहे हैं, यानी कि ये हेडलैम्प यूनिट है उसमें हमें चेंज देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ नेक्स्ट बात करें तो इसकी जो साइड प्रोफाइल है वो हमें आइडियली सेम देखने को मिल रही है, मतलब कि साइड प्रोफाइल में हम यहाँ पर कोई भी चेंज है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, और ज़्यादा चेंज भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि ZS EV और ये जो एस्टोर है उसके साइड प्रोफाइल हमें ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रही है। बात करते हैं इसके एक्सटीरियर के कुछ और हाईलाइट्स के बारे में, तो इसका जो हमें ब्लैकआउट पिलर देखने को मिले, मतलब कि इसके जो पिलर आते हैं वो भी हमें ब्लैक कलर में देखने को मिल रहे हैं, उसी के साथ इसमें ब्लैक कलर की कुछ बॉडी क्लैडिंग आती है वो भी देखने को मिल रही है। और अगली बात करें तो इसमें हमें 17 इंच के ड्यूअल टोन डायमंड कट एलॉय व्हील देखने को मिल रहे हैं, और उस एलॉय व्हील के साथ साथ हमें रेड कलर के ब्रेक कैलिपर्स भी देखने को मिल रहे हैं, मतलब कि जो एक फील एंड लुक आता है वो हमें एक रेसिंग कार जैसा फील एंड लुक है वो इसके एलॉय व्हील्स में देखने को मिल रहा है। बात कर देते हैं एस्टोर के कुछ डायमेंशंस को लेकर, तो ये जो एस्टोर है वो कुछ हमें 4314 mm लॉन्ग, 1809 mm वाइड, 1644 mm टॉल, मतलब कि ऊंची देखने को मिलती है। और इसका जो व्हील बेस है वो हमें कुछ 2585 mm लॉन्ग देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कुछ हमें 205 mm का देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ एस्टोर के मैं कुछ आपको एक्सपेक्टेड फीचर्स के बारे में बता देता हूँ, तो इसमें 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल सकता है जो कि एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा। उसी के साथ साथ इसमें हमें एमजी का आई स्मार्ट जो कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजीज आती है वो भी देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ इसमें पेनोरामिक सनरूफ, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एयर प्योरीफायर, तो ऐसे कुछ फीचर है वो इसमें एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। और दोस्तों इसमें सेफ्टी में कुछ हमें ADAS मतलब कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम आता है वो देखने को मिल सकता है। एंड उसी के साथ जो हमें MG की ग्लॉस्टर में जो फीचर्स देखने को मिल रहे हैं अभी, वो फीचर हमें एस्टोर में भी ऑफर किए जा सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एस्टोर के इंजन ऑप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ, तो एस्टोर में बेसिकली दो इंजन ऑप्शन है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि हमें प्रोवाइड किए जाएंगे। जो फर्स्ट है वो है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पायर पेट्रोल इंजन, एंड सेकंड है वो 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। ये जो 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है वो कुछ 118 BHP का पावर और 150 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा, और वहीं पर जो ये 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है वो कुछ 161 BHP का पावर और 230 Nm का टॉर्क, मतलब कि 230 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। और ये दोनों इंजन के साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 6-speed मैनुअल एंड 6-speed CVT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है वो ऑफर किया जा सकता है, मतलब कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन है वो इसमें हमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और दोस्तों इसकी राइवल में हुंडई की क्रेटा, किया सेल्टोस, कोडा कुशाक एंड जो वॉक्सवैगन की अपकमिंग टाइगन है वो भी हमें देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी ये जो सेगमेंट है क्रेटा एंड सेल्टोस का जो सेगमेंट है वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा भीड़भाड़ वाला हो गया है, मतलब कि बहुत सारी कार है वो हमें इसके सेगमेंट में देखने को मिलती है, और अभी एक और कार आने वाली है MG की तरफ से, तो यानी कि ये जो सेगमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन हमें अभी भी देखने को मिल रहा है, आगे और भी कॉम्पिटिशन है वो इसका बढ़ने वाला है।
तो बस दोस्तों आज के लिए यही कुछ था। आपका एस्टर के बारे में क्या सोचना है, यानी कि फीचर्स, इसका जो सेगमेंट है वो उसके बारे में क्या सोचना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और उसी के साथ साथ आपका कोई सुझाव, कोई क्वेश्चन हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।